गुड मॉर्निंग बोला मुंह में बिस्किट लेकर गुड मॉर्निंग दो दो बिस्किट एक साथ खा रहे हैं और क्या है पानी पानी। हम आ चुके हैं अपने मायके में और यहाँ पे मम्मी सबको दे रही है बिस्किट और यहाँ पे बन रही है चाय। बिस्किट यहाँ पे देखिए माँ क्या कर रही है। यह है मूंग, मूंग को मूंग भुना हुआ मूंग है और इसका ऊपर से जो छिलका हटा रही है माँ इसका आज बनेगा घुघनी। इसका पूरा छिलका नहीं हटाया जाएगा ना पूरा नहीं के भी और छिलका लगा हुआ रहेगा थोड़ा सा ही हटाया जाएगा आधा पूरा। ये अभी और लगेगा इसमें थोड़ा सा तब तक इसके लिए मसाला का तैयारी कर लेते हैं इसको और पकने देते हैं। यहाँ पे तेल गरम हो गया है तो अब उसमें हम जीरा और ये सूखी मिर्च डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्याज हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाए हैं इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पे देखिए प्याज भून गया था तो उसमें थोड़ा सा पानी डाले हैं और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर ये घर का ही लाल मिर्च है ज्यादा लाल नहीं है और इसको दे करके सारे डाल के इसको अब भूनेंगे हम। और ये दाल में जो है दाल में नमक और हल्दी दिया हुआ है यहाँ पे देखिए माँ दाल बना रही है हम लोग को देने के लिए मुझे और भैया को देने के लिए। तो ये मूंग का दाल है जो माँ के खेत का ही है माँ सब कभी भी खरीद के दाल नहीं खाती है और ये जो मूंग का दाल है ये भुना हुआ मूंग का दाल है जैसे पहले भून के फिर इस तरह से दाल निकाला जाता है चक्की में जो मार्केट में मिलता है वो भुना हुआ नहीं रहता है ये भुना हुआ है। तो ये वाली जो दाल है उससे ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और यहाँ पे देखिए मसाला जो है वो तेल छोड़ दिया है मसाला भुन गया है अच्छे तरीके से तेल इसका अलग हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये जो पकाया हुआ दाल है इसको थोड़ा सा पकाएंगे बस मतलब इसके साथ उबालेंगे मसाले के साथ वैसे ये पका हुआ तो है ही। यहाँ पे देखिए आते ही मौसम खराब हो गया है आज यहाँ पे ठीक से धूप नहीं निकला है और हम आए हैं अब बारी धनिया पत्ता लेने के दिखाते हैं। और देखिए ये माँ का करेला ये अपने आप निकला है और कितना फैला हुआ और कितना हेल्दी है देखिए कितना अच्छा है। और यहाँ पे मेरे भैया जो है धनिया का पत्ता तोड़ रहे हैं और तोड़िए ला की कैसे सब्जी वाला कंटा तोड़िए ला के तो बार बार यहाँ पे देखिए धनिया का पत्ता कितना अच्छा है कितना फ्रेश कितना चौड़ा चौड़ा पत्ता है और यहाँ पे हरा भरा
ये आलू लगा हुआ है, ये लहसुन लगा हुआ है, ये मूली, राई, और उधर है मकई। ये माँ के फूल देखो कितना खिल रहे हैं। ये फूल को काट के फेंक दिया गया था और देखिए ये लग गया है और कितना ज्यादा खिला हुआ है। ये गुड़हेल है। और लास्ट में इसमें डाल दिए हम धनिया का पत्ता, यहाँ पे देखिए। और ये बन के हो गया है तैयार। अब रोटी बना लेंगे। आटा भी गूंद के रखा हुआ है और जिसको मन होगा मुरही के साथ भी खाएंगे और रोटी के साथ भी। ये दाल जो है खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत दिन के बाद खा रहे हैं घर की दाल। हाँ रुक जा। तो खा के बता बता केम बन ले। ना खा देता हूँ ना, पता टेस्टी छे। एक नंबर तो यहाँ पे देखिए आज जो है माँ चावल तैयार करवा रही है। तो ये है चावल तैयार करने वाली मशीन, जो धान से चावल बनाया जाता है। तो ये वही मशीन है और देखिए किस तरीके से धान से चावल निकलता है। तो ये जो निकल रहा है इधर, तो ये है चावल और वो जो ऊपर में है तो उसमें धान को डाला जाता है। और वो देखिए वो धान के जो मिस्त्री होते हैं ना, तो वो हैं वहाँ पे खड़े, वो अपना हाथ दे करके वो करवा रहे हैं कि कितना मतलब कम ज़्यादा करना है, नहीं तो धान में धान रह जाएगा चावल में, तो इसलिए। और उधर से देखिए मजदूर हैं जो धान डाल रहे हैं उसमें, और इधर जो है माँ भी थोड़ा हेल्प कर रही है, और वो जो है मजदूर रखे हुए हैं तो वो भी अपना कर रहे हैं। फिर इसको बाद में यही मशीन से आजकल सारा काम हो जाता है, चावल भी निकल जाता है। और चावल में जो भूसा होता है धान का, तो वो भी यही मशीन ही बाद में मतलब वो उड़ा देते हैं। मतलब उसमें ये जो मशीन है ना, इसमें पंखा भी लगा हुआ रहता है, जो चावल से भूसा को उड़ा दिया जाता है, उड़ा देते हैं। तो वो भी आगे आप लोग देखिएगा। और इसी तरीके से हम लोग के यहाँ चावल मतलब घर पर ही धान उसना होता है और घर पे ही मशीन आते हैं, घर घर जा कर के ये मशीन ऐसे ही सबका जिसको जिसको मतलब चावल बनवाना हो तो चावल बनवा लेते हैं। पहले तो मतलब चावल कुटवा के रख लेते थे और आती थी फटकने वाली, तो वो फटक फटक के फिर रखती थी। अब लेकिन अब के जो मशीन है, मशीन में ही पंखा लगा हुआ रहता है, तब एक ही मशीन में दोनों काम हो जाते हैं, तो अब उसका ज़रूरत अलग से नहीं पड़ता है। इसी तरीके से देखिए सारा धान को कुटा लिया जाएगा और जो भी अरवा उसना जो भी हो सब कुटा लेती है माँ सब। अब ये हो गया साल भर का चावल बन गया है और इसी में से हम लोग को भी माँ देती है, मतलब इतना चावल बन जाता है। तो हम सोचे कि जिसको जिसको नहीं पता हो कि चावल कैसे बनता है तो उनको दिखा दे कि यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर के साथ ये मशीन लगा हुआ है, ट्रैक्टर से ही जाते हैं ये मशीन को ले करके जहाँ जहाँ जिसके जिसके घर जाना हो, तो ट्रैक्टर में ही ये सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गांव में इसी तरीके से चावल को निकाला जाता है धान से। तो हम सोचे कि जिसको जिसको नहीं पता हो वो भी देख ले कि गांव में किस तरीके से चावल मतलब तैयार किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को भी वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अभी हम मायके में हैं तो अभी मायके का ही ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, तो गाँव की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। जब पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ मेरे वीडियो को। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो हम तो गाँव आते ही रहते हैं मम्मी के पास, तो गाँव का जो भी होगा सब कुछ आप लोग को दिखाते रहते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।